Hey students, my name is Gaurav Seth and I'll be teaching you the next chapter, the next very important chapter for 10th Gujarat Board, जिसके short short question जो है वो आने ही वाले हैं. सबसे पहले मैंने आपको first chapter बताया था Heritage of India. I hope आपको वो एकदम clear हो गया हो chapter. अब next chapter जो है वो काफी ज्यादा board के point of view से important है. ये chapter छोटा भी है, प्लस इसी के साथ साथ ये हमें एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके पूछते ही हैं लॉन्ग आंसर्स में. तो ये जो चैप्टर है वो है हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हेरिटेज, इंडिया हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उससे है. देखो आपके सामने नोट्स जो है वो आ गए हैं. तो दिस चैप्टर इज फिफ्थ चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, इंडिया हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इंडिया में कौन कौन से रिसर्चर्स आए, कौन कौन से इंटेलेक्चुअल पीपल आए, उसके बारे में ये आपको दिया गया है. तो सबसे पहला हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं. इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहले आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है, जो कि हमें एग्जाम में पूछी जाती है काफी बार. तो हमें इसकी डेफिनेशन जो है वो लाइन टू लाइन याद रखनी है. तो सबसे पहले देखिए आपको साइंस की डेफिनेशन जो है वो दे रखी है. साइंस मीन सिस्टमैटिक नॉलेज. हम जो नॉलेज जो भी गेन करते हैं सिस्टमैटिकली उसे हम बोलते हैं साइंस. एंड नेक्स्ट आपको दे रखा है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी मीन्स जो भी हमने स्पेशल नॉलेज जो गेन करी है उसका प्रैक्टिकल यूज करना, प्रैक्टिकल यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स यूज. ओके, तो देखिए आपको दे रखा है टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज. ओके, तो हमें दोनों अगर एग्जाम में आता है तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में ये डेफिनेशन लिखनी है. और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भले ही डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन ये आपस में इंटरलिंक्ड है, वो आपस में जुड़े हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो देखिए आपको शॉर्ट में एकदम है साइंस मीन्स सिस्टमैटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मीन्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ साइंस. मीन्स साइंस क्या था? सिस्टमैटिक नॉलेज. ओके, तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज. नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं हेरिटेज ऑफ एंशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो हमारे इंडिया में क्या क्या रिलेटेड हेरिटेज है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो हमें यहाँ पर अच्छे से याद रखना है. हमें यहाँ पर सिक्स टॉपिक्स जो है वो दिए गए हैं जिसके बारे में कोई ना कोई, इनमें से कोई भी एक टॉपिक जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिक्स टॉपिक जो है आपको याद करने ही है. एनी हाउ एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा. तो हमारे यहाँ पर हमने टॉपिक देखा, फर्स्ट है मेटलर्जी के बारे में, नेक्स्ट केमिस्ट्री के बारे में, देन थर्ड इज मेडिसिन एंड सर्जरी से रिलेटेड, एंड मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक जो कि काफी ज्यादा इजी है दैट इज रिलेटेड टू मेटलर्जी. तो देखिए आपके सामने ये रहा मेटलर्जी का टॉपिक. तो सबसे पहले हम समझते हैं मेटलर्जी का मतलब. जो भी चीजें जो कि मेटल से बनी हुई है वो सारी चीजें जो है वो मेटलर्जी में कवर होती है. तो आपको देखो सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही दे रखा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में एंशियंट टाइम से ही पीपल जो है वो मेटलर्जी का यूज कर रहे हैं. एंशियंट इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस जो है वो मेटलर्जी में करी है. नेक्स्ट टॉपिक आपको एग्जाम्पल दे रखा है मेटलिक आइडल जो कि फीमेल डांसर की है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मिली है. हमने एक्सकेवेशन वर्क किया और वहां से हमें ये आइडल जो है वो मिली है. नेक्स्ट हमने स्टेच्यू है बुद्धा बिलोंगिंग टू कुशान पीरियड, ये भी अच्छे से याद रखना है, जो कि तक्षशिला से मिली है. नेक्स्ट टॉपिक साउथ इंडिया में चोला पीरियड की बात करें, ये देखिए आप चोला पीरियड की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारी मूर्तियां जो है वो बनाई जाती थी. नेक्स्ट स्टेच्यू ऑफ नटराज का जो कि एक मास्टरपीस है वो जो है चेन्नई के म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक
एक और एग्जाम्पल है राम द आर्चर, जो कि हमारे भगवान लॉर्ड राम जो थे, जो हमेशा बो एंड एरो में आपको दिखाए जाते, तो वो भी आर्चर मींस बो एंड एरो, आर्चरी से रिलेटेड, तो वो भी म्यूजियम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, जो भी आइडियल्स रिलेटेड टू गॉड एंड गॉडेसेस, देवी देवता हो गया, बर्ड्स एंड एनिमल्स, बिटल नट कटर्स मीन्स जो हम सुपारी को यहाँ पर रखकर इस तरीके से काटते हैं, तो वो होता है बिटल नट कटर्स। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं हमारे मेटेलिक आर्ट के, और इम्पोर्टेंट प्लेस है हमारी इंडिया के हिस्ट्री में। अब देखो आपको किस तरीके से ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, एकदम क्लासिफिकेशन मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर। देखिए मेटलर्जी का सबसे पहला हमने देखा, इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस जो है वो करी है मेटलर्जी में। देन हमने एग्जाम्पल्स देखे, सारे हमें एग्जाम्पल्स के नाम लिखना है। फर्स्ट देखिए आप मेटेलिक आइडल ऑफ फीमेल डांसर, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ बुद्धा, जो कि कुषाण पीरियड से बिलोंग करती है और तक्षशिला में मिली। नेक्स्ट हमने आइडल्स के बारे में देखा, साउथ इंडिया हम चले गए और चोला पीरियड की यहाँ पर बात करी। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ नटराज, जो कि चेन्नई के म्यूजियम में प्रिजर्व है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ राम द आर्चर, जो भी म्यूजियम में प्रिजर्व है। फिर नेक्स्ट हमने स्टैचूज के एग्जाम्पल देखे, स्टैचूज ऑफ गॉड गॉडेसेस, बिटल नट कटर्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, और इंडिया ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी है मेटलर्जी में। इन पॉइंट को एकदम शॉर्ट में हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो है टॉपिक मेटलर्जी का क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए केमिस्ट्री, या उसको और भी बोला जाता है एल्केमिकल लोड, केमिकल से रिलेटेड। ओके, तो हमें ये भी अच्छे से याद रखना, हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हमें ये पूछ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन एल्केमिकल लोड, इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी हमें पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला हम इसका मतलब समझते हैं, केमिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड साइंस है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, ये साइंस केमिस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल है मिनरल्स, प्लांट्स, सीड, एग्रीकल्चर, मेकिंग ऑफ वेरियस मेटल्स, और टू ब्रिंग चेंजेस इन देम, उनके अंदर चेंजेस लाने में। और ये केमिस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मेकिंग ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहला सिंपल सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, डैश इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, तो हमें याद रखना है केमिस्ट्री और एल्केमिकल लोड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आचार्य नागार्जुन के बारे में दे रखा है, हो सकता है कि हमें इसका शॉर्ट नोट जो है वो पूछ ले। आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी याद रखना है, ये जो फिगर जो है वो है आचार्य नागार्जुन का, तो इसे भी हमें याद रखना है। तो फर्स्ट देखते हैं, आचार्य नागार्जुन जो थे वो काफी ज्यादा नॉलेज पर्सन थे, लर्न पर्सन थे, बुद्धिस्ट से बिलोंग करते थे, और वो नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी नॉलेज जो है वो गेन करी है, और उन्होंने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस करी है कि उन्हें ही माना जाता है कि वो हैं आचार्य इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। हमें ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, अच्छे से याद रखना है आचार्य नागार्जुन को आचार्य माना जाता है केमिस्ट्री का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, उन्होंने दो बुक लिखी है, रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी। दो बुक के नाम हमें अच्छे से याद रखने हैं, रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, आचार्य नागार्जुना ने सपोर्ट किया, एडवोकेटेड मीन सपोर्टेड, सपोर्टेड द यूज ऑफ एलोपैथी, दैट इज जो साइंस, जो मेडिसिन्स जो है हम आज यूज कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हर्बल मेडिसिन्स जो है वो यूज हम कर सकते हैं। तो आचार्य नागार्जुना एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी अलोंग विद हर्बल साइंस, और ऐसा माना जाता है कि मर्क्यूरी ऐश जो है, ऐश मीन्स राख, तो मर्क्यूरी की जो ऐश जो है उसको हम एज अ मेडिसिन जो है वो यूज कर सकते हैं, वो भी इनिशिएट या शुरुआत करी आचार्य नागार्जुना ने। नेक्स्ट हम देखते हैं अलग टॉपिक, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी में खुद ही पूरी एक स्कूल थी रिलेटेड टू केमिस्ट्री, और वहां पर फर्नांस भी पाए जाते थे, ताकि के वहां पे बच्चे जो हैं वो स्टडी और रिसर्च कर सके। फर्नांस मीन्स आग की भट्टी, जिसके अंदर आग जलाकर हम कुछ भी चीजें जो है वो बनाते हैं भट्टी के थ्रू, दैट इज फर्नांस।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमें क्या दे रखा है. द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन रस, उप रस, 10 टाइप्स ऑफ पॉइजन्स, वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट एंड एश ऑफ मिनरल्स जो है हम केमिस्ट्री में देखते हैं. फिर नेक्स्ट टू पॉइंट जो है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है एग्जाम्पल्स से. ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं कॉपर स्टेच्यू ऑफ बुद्धा, जो कि एक्सपर्ट नॉलेज रिफ्लेक्ट करती है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. और ये जो कॉपर स्टेच्यू जो है वो सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में है वहां पर है, और उसका डायमेंशन दे रखा है वो 7.7 फीट हाई थी और उसका वेट जो था वो 1 टन था. और जो स्टेच्यू ऑफ बुद्धा जो है वो नालंदा में, यहाँ पर हमने बात करी स्टेच्यू ऑफ सुल्तानगंज इन भागलपुर. नेक्स्ट स्टेच्यू की बात करें जो कि नालंदा में है वो है 18 फीट हाई. कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट स्टेच्यू जो है उसके बारे में डायमेंशन जो है वो दे रखे सुल्तानगंज में, और नेक्स्ट जो है स्टेच्यू ऑफ बुद्धा वो दे रखा है नालंदा से रिलेटेड. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ विजय स्तंभ और आयरन पिलर, उसका डायमेंशन हमें दे रखा है 24 फीट हाई है ये, एंड उनका उसका वेट जो है वो 7 टन है, और वो बिल्ड किया था चंद्रगुप्त टू ने. और फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब, नेचर फ्यूरी का मतलब होता है इतनी बारिश हो गई, अलग अलग नेचुरल डिजास्टर आ गए, लेकिन इतनी सेंचुरीज में भी अभी तक ये पिलर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है. कोरोडेटेड का मतलब होता है रोइन या डिस्ट्रॉय अभी तक नहीं हुआ है. और ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है एल्केमिकल लोर के. आई होप आपको ये समझ आया होगा. एकदम शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो हमें किस तरीके से याद करना है, तो एकदम शॉर्ट में अगर हमें याद करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा केमिस्ट्री का टॉपिक, तो सबसे पहले देखो AKN इज आल्सो नोन एज, तो केमिस्ट्री आका एल्केमिकल लोर, उसे एल्केमिकल लोर भी बोला जाता है. ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है. फिर हमने आचार्य नागार्जुना के बारे में देखा. आचार्य नागार्जुना जो कि एक लर्न बुद्धिस्ट थे, उन्हें ऑल्सो नोन एज आचार्य ऑफ केमिस्ट्री. उन्होंने 2 बुक्स लिखी है, रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी. उन्होंने ये एडवोकेट या सपोर्ट किया कि हम एलोपैथी का यूज कर सकते हैं हर्बल साइंस के साथ. नेक्स्ट उन्हीं ने ही स्टार्ट किया, इनिशिएट किया मर्क्यूरी एश को एज ए मेडिसिन यूज करना. फिर हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखा कि वहां पर रिसर्च और स्टडी करने के लिए खुद पूरी एक स्कूल है केमिस्ट्री को डेडिकेटेड, एंड फर्नेंस भी है. फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे, एक कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा जो कि कहां पर पाई गई थी, सुल्तानगढ़ इन भागलपुर. हमने उसके डायमेंशन देखे, उसकी हाइट एंड वेट. फिर हमने एक और एग्जाम्पल देखा कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा जो कि नालंदा से बिलोंग करती हो. देन हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा विजय स्तंभ का जो कि आयरन पिलर है और जो बनाया था चंद्रगुप्त टू ने. आई होप आपको ये शॉर्ट में एकदम इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड टू साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, पूरा सर्जरी एंड मेडिसिन से रिलेटेड. तो सबसे पहला देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमने यही लिखा है, इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस करी है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल मेडिसिन एंड सर्जरी. नेक्स्ट आपको ये 3 नाम एकदम अच्छे से याद रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, वाग भट्ट. ये 3 जो हैं उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है और उन्हीं ने ही शुरुआत करी है, पायनियर मींस इन्होंने शुरुआत करी है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड सर्जरी. वो उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करी और उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट हाइट पर वो पहुंच गए, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किए, और इन्होंने ही साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी की शुरुआत करी. अब हम 3 के बारे में देखते हैं, ये 3 एकदम इंपॉर्टेंट है. इन्होंने कौन से बुक लिखी है ये भी हमें ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो हमें ये पिक्चर भी याद रखनी है. ये दोनों पिक्चर जो है वो स्पेसिफिकली आपको टेक्स्ट बुक में दे रखी है. तो सबसे पहला देखते हैं महर्षि चरक के बारे में. तो उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता, उन्हीं के नाम पर बुक है चरक संहिता, और वहां पर उन्होंने 2000 मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में बताया है.
नेक्स्ट हम देखते हैं महर्षि सुश्रुत, जो कि उन्होंने बताया है कि सर्जरी के टाइम पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का या टूल्स का यूज किया जाता है। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज्यादा शार्प थे कि एक वर्टिकल हेयर जो है, अगर उसको भी ऐसे काटे तो जो वर्टिकल हेयर जो है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट है हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वाग्भटा, उन्होंने उन्हीं के नाम पर बुक लिखी है वाग्भटा संहिता, जो कि उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च वर्क है। और आज के टाइम पर भी ये बुक जो है, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है इस बुक का यूज करते हैं, काफी ज्यादा यूजफुल है। तो हमें तीन बातें एकदम अच्छे से याद रखनी है जिन्होंने पायनियर किया है साइंस को एंड सर्जरी को। फर्स्ट इस महर्षि चरक, जिन्होंने उन्हीं की बुक चरक संहिता और उसके अंदर 2000 मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने बताया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्जरी के बारे में, और ये इंस्ट्रूमेंट इतने शार्प थे कि वो एक वर्टिकल हेयर को भी काट सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा वाग भट्टा, जिन्होंने उन्हीं के नाम पर बुक है उनकी वाग भट्टा संहिता, और ये जो बुक उन्होंने लिखी है वो आज भी आज के डॉक्टर्स को काफी ज्यादा यूजफुल है। ये तीनों नाम हमें अच्छे से याद रखने हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। आपको पीछे दिख भी रहा होगा नोट्स में, तो यहाँ पर हमें ये चीज बताई गई है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वो किस तरीके से ऑपरेशन करते थे, कैसे स्किल्ड पर्सन थे, उसके बारे में आपको दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हर्बल साइंसेस के बारे में है, हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एंशंट टाइम, जहां पर ह्यूज कलेक्शन है मिनरल्स का एंड मेडिसिन्स का, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते थे। और यहाँ पर यह बताया गया है अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन, उनका क्लासिफिकेशन जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, दे कुड इवन स्टॉप सर्कुलेशन विद बोल शेप बैंडेज, एक तरह की बैंडेज होती थी जिससे कि वो ब्लड सर्कुलेशन को भी रोक सकते थे और डायग्नोस कर सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक आपको ये दे रखा है ऑपरेट, स्किलफुली ऑपरेट का मतलब वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेशन करते थे, ऑपरेट करते थे एब्डोमिन मीन्स पेट से रिलेटेड, किडनी, कैटरैक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स एंड ब्लैडर का बहुत ही स्किलफुली पहले के टाइम पर भी वो अच्छे से ऑपरेशन करते थे। नेक्स्ट आपको पॉइंट दे रखा है वो आपको फ्रैक्चर से रिलेटेड दे रखा है। देखिए आपको क्या दे रखा है, वो बोन्स को क्लासिफाई कर सकते थे, जो भी फ्रैक्चर या ब्रोकन बोन है जो कि और या डिस्प्लेस हो गई है या अलग हो गई है तो उसे वो डायग्नोस करते थे। एंड कुछ भी चीज अगर किसी के बॉडी में पियर्स या घुस चुकी है, जैसे एक रॉड जो है वो यहां से यहां निकल गया है, तो वो स्किलफुली उसको ऑपरेट या डायग्नोस कर देते थे। नेक्स्ट वो आसानी से जो भी डिसीज है उसके सिम्टम्स जानकर उसका डायग्नोसिस जो है वो करते थे। नेक्स्ट वो डायट्री डायरेक्शंस भी देते थे, डायट्री का मतलब होता है डाइट से रिलेटेड। आपका स्किलफुली ऑपरेशन हो गया है, उसके बाद हमें क्या क्या डाइट में ध्यान रखना है, क्या खाना है पीना है, उसके बारे में भी आपको बताया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें पहले के टाइम पर भी प्लास्टिक सर्जरी की नॉलेज थी, या कुछ भी बोन्स या कुछ भी ऐसे ब्रोकन है या लिप्स में कट है तो वो उसे आराम से स्किलफुली प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू ऑपरेट कर सकते थे। वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में सर्जरी के थ्रू, और सर्जरी भी प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू उन्हें पढ़ाई जाती थी, या तो डेड बॉडी पे वो बताते थे या वैक्स स्टैच्यू में वो ऑपरेट करना उन्हें सिखाते थे। और डिलीवरी के टाइम पर जब भी बेबी डिलीवर हो रहा है उसके टाइम पर भी वो स्किलफुली ऑपरेट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो भी डॉक्टर होते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, एंड पेडिट्रिशियंस भी थे जो कि बच्चों के डॉक्टर होते, तो काफी स्किलफुली ये डॉक्टर्स थे, गायनेकोलॉजिस्ट एंड पेडिट्रिशियन। नेक्स्ट हम देखेंगे वेटरनरी साइंस के बारे में, वेटरनरी साइंस मीन्स डॉक्टर ऑफ एनिमल्स। तो वेटरनरी साइंस पहले के टाइम पर एनिमल्स के डॉक्टर भी काफी ज्यादा नॉलेजेबल और स्किलफुल थे। हमें
जो कि एंशंट इंडिया में से डेवलप हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कुछ एनिमल्स के बुक्स और उससे रिलेटेड बातें। नेक्स्ट आपको दे रखा है, जो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने बुक्स लिखी है डिजीजेस रिलेटेड टू हॉर्सेस, दैट इज अश्व। हिंदी में हम अश्व बोलते हैं हॉर्सेस को। तो उन्होंने बुक्स लिखी है रिलेटेड टू हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, या हस्ती के हाथी के बारे में उन्होंने उनकी डिजीज से रिलेटेड बुक्स लिखी है। नेक्स्ट, इन सब की बात कर, इन सारी बुक्स की बात करें तो उसमें से हस्ती आयुर्वेदा फर्स्ट, नेक्स्ट साहिल होत्र एंड अश्व शस्त्र जो है वो काफी ज्यादा वेल नोन या फेमस है। इन सब बुक्स में से जितनी भी वेटरनरी साइंस से रिलेटेड है उसमें से तीन बुक्स हमें अच्छे से याद रखनी है, हस्ती आयुर्वेदा, शाहिलोत्र एंड अश्व शास्त्र जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। अब स्कॉलर्स और साइंस राइटर जिनका नाम था वाग भट्टा, उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अष्टांग हृदय। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। वाग भट्टा ने एक बुक लिखी है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल है, दैट इज अष्टांग हृदय। तो ये जो टॉपिक है ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी है। हमने इसमें देखा इंडिया ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी है। नेक्स्ट, हमने तीन पायोनियर्स के बारे में बात करी जिन्होंने शुरुआत करी, दैट इज महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड वाग भट्टा। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा, इन्होंने इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने वो किस तरीके से ऑपरेशन करते थे, स्किलफुली कैसे ऑपरेट करते थे उसके बारे में पढ़ा। देन हमने वेटरनरी साइंसेस के बारे में पढ़ा और इसमें हमने वाग भट्टा के बारे में पढ़ा जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है अष्टांग हृदय। अब देखिए आप शॉर्ट में किस कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहला साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, हमें तीनों पायनियर्स के बारे में लिखना है, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड महर्षि वाग भट्टा, उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे उसके बारे में। फिर हमने दूसरी और डिटेल जो है उसके बारे में पढ़ा, गायनेकोलॉजिस्ट है, पेड्रिशियन है, फिर किस तरीके से स्केलफुली वो ऑपरेट करते थे, वैक्स स्टैचू और वो सारी डिटेल्स हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ी। फिर हमने थर्ड देखा था वेटरनरी साइंस, एनिमल से रिलेटेड हमने ये पॉइंट्स देखे थे। तो इस तरीके से हमें शॉर्ट में याद करना है। तो ये टॉपिक भी आप हो आप सभी को क्लियर हो गया हो। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि रिलेटेड है मैथमेटिक्स से। तो इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा, इंडिया में क्या क्या डिस्कवरीज हुई है मैथमेटिक्स से रिलेटेड उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए, बहुत ही वंडरफुल डिस्कवरीज हुई है इंडिया में रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ जीरोस, डेसिमल सिस्टम, एल्जेब्रा, थियोरम ऑफ बोधायन, ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक साइंस। ये जो है सारी चीजें जो है वो मैथमेटिक्स में इंडिया ने ही डिस्कवरी करी है। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू आर्यभट्टा, उन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है और इसीलिए उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी माना जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं या हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। सबसे पहला, उन्हीं ने ही जीरो की डिस्कवरी करी है। नेक्स्ट टॉपिक, उन्होंने ही अपनी बुक जिसका नाम था आर्यभट्टम उसमें पाई की वैल्यू के बारे में बताया है और उन्होंने ये भी बताया है कि वैल्यू ऑफ पाई जो है वो कांस्टेंट होती है जब भी हम रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस और डायामीटर की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मल्टीप्लीकेशन की बात करें हम, एडिशन की बात करें, सब्स्ट्रैक्शन की बात करें, स्क्वायर रूट की बात करें, क्यूब रूट की बात करें, तो ये सारी चीजें जो हैं उन्होंने मेंशन करी है। मेथड, अष्टांग मेथड जो है वो मेंशन किया है, इंट्रोड्यूस किया है आर्यभट्टा ने और मेंशन किया है उनकी बुक में, इसीलिए आर्यभट्टा को माना जाता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या लिखा गया है,
उन्होंने बहुत सारी बुक्स जो है वो लिखी है। एक देखो आपने यहाँ पर ही पढ़ लिया है आर्यभट्टम, एंड दूसरी है दर्शकृतिका। उन्होंने ही डिस्क्राइब किए हैं मेन प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमी। देखो प्लैनेटरी मूवमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, तो उन्होंने ही एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया है, मेन प्रिंसिपल्स के बारे में, और उनकी बुक में लिखा है आर्य सिद्धांत। सिद्धांता मीन्स प्रिंसिपल्स, ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आर्यभट्ट आर्य सिद्धांत। और उन्होंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड सॉल्यूशंस जो है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री से रिलेटेड जो नॉलेज जो है वो बताया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है आर्यभट्ट की डिस्कवरी से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको इसमें अलग अलग नाम आएंगे, उन्हें हमें एकदम अच्छे से याद रखना है क्या क्या कंट्रीब्यूशन उन्होंने मैथमेटिक्स में दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृत संबंध। ये जितने भी नाम हैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट देखते हैं हम कृत संबंध। जो प्रोसेस जो है राइटिंग जीरोस आफ्टर फिगर्स, जो भी हम फिगर्स के बाद में जीरोस लिखते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो हमारे साधु जिनका नाम था कृत संबंध, उन्होंने बताया है। द एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन हैड डिसाइडेड द नेम्स ऑफ द नंबर्स मेड बाय प्लेसिंग 53 जीरोस आफ्टर वन। कैसे हम देखते हैं, सपोज ये है दिस वन इज 10, देन दिस बिकम्स 100, देन 1000, देन 10,000, देन लाख। तो इस तरीके से अप टू 53 जीरोस के बारे में हमारे एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस ने बताया है। नेक्स्ट मेधातिथि जो है वो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस थे, और उन्होंने बताया है, कॉन्सेप्ट दिया है डेसिमल सिस्टम का। भास्कराचार्य की बात करें तो उन्होंने बुक लिखी है लीलावती गणित एंड बीज गणित एंड 1150 AD में, और उन्होंने डिस्कवर किए हैं साइंस ऑफ प्लस एंड माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट ब्रह्मगुप्ता की बात करें तो उन्होंने अलग अलग टाइप्स के इक्वेशंस के बारे में बताया, जो कि आपने मैथ्स में पढ़ाई है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट बोधायन की बात करें तो उन्होंने थियोरम्स या ट्राइंगल पॉलिसी रिलेटेड जो है वो बताया है। आप स्तंभ की बात करें तो उन्होंने डिसाइड किया है द मेजरमेंट ऑफ सेक्रिफाइशियल पिट। जो हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का जो पिट जो होता है उसका किस तरीके से डाइमेंशंस होने चाहिए वो बताया है आप स्तंभ ने, जो कि हम यज्ञ के टाइम पर यूज करते हैं, और कौन सी बुक में बताया है, शुल्वा सूत्रास में इन 1800 BC, और उसके अंदर प्रिंसिपल्स की एनालिसिस जो है वो भी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं मैथमेटिक्स के और अलग अलग हैड बीन डिस्कस्ड बाय मेनी स्कॉलर्स इन द बुक। बुक में अलग अलग स्कॉलर्स के बारे में बताया गया है, और उनमें से कौन कौन से स्कॉलर्स जो है जिन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है और वो बहुत ज्यादा फेमस है। बोधायन, आपस्तम्ब, कात्यायन, भास्कराचार्य, पद्मगुप्ता जो है इन स्कॉलर फेमस स्कॉलर्स में इंक्लूडेड हैं। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड था, मैथमेटिक्स। तो इसको हम देखते हैं शॉर्ट में किस तरीके से याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें डिस्कवरीज याद करनी है। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इंडिया ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस करी है मैथमेटिक्स में, देन इंडिया की क्या क्या डिस्कवरीज है उसके बारे में शॉर्ट में, जीरो, डेसिमल सिस्टम, एल्जेब्रा, थियरम ऑफ बोधायन, ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक, ये सब जो है वो डिस्कवर किए गए हैं। फिर हमें अलग अलग नाम देखे थे और उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन या डिस्कवरीज थी। तो देखो आपको एकदम शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है ए बी जी एंड एम। ए की बात करें तो हमने आर्यभट्टा के बारे में पूरा इंपॉर्टेंट पूरा पैराग्राफ पढ़ा, देन आप स्तंभ के बारे में पढ़ा, देन बी की बात करें तो भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त एंड बोधायन के बारे में पढ़ा, देन हमने कृत संबंध के बारे में पढ़ा एंड मेधातिथि के बारे में पढ़ा। इस तरीके से शॉर्ट में आप पूरा आंसर जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपको मैथमेटिक्स का टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। यहाँ पर ये बताया गया है कि प्लैनेटरी मूवमेंट्स पर
ह्यूमंस की लाइफ पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में, भविष्यवाणी प्रेडिक्शन उनके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी बहुत ही एंशियंट या पुरानी साइंस है, पहले के टाइम से चली आ रही है। बहुत सारे वर्क या ग्रंथ जो है वो रिलेटेड है एस्ट्रोनॉमी से, वो इंडिया में ही लिखी गई है। एक बहुत ही सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज डीप स्टडी या डिटेल स्टडी की गई है एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी में, और वो करी है हमारे इंडियन एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं प्लैनेट्स, उनका मूवमेंट्स, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स, अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जो भी स्पेस में जो भी प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, उनके बारे में वो यूज किए जाते थे जब भी हम कैलकुलेशन करते थे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेडिक्शन, जो भी आगे की जानकारी को हम बोलते हैं प्रेडिक्शन, या हम बोल सकते हैं भविष्यवाणी, वो भी प्लैनेटरी मूवमेंट्स के थ्रू की जाती थी। अब फिर से जैसे कि हमने मैथमेटिक्स में आर्यभट्टा के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, एस्ट्रोलॉजी में भी हमें आर्यभट्टा के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में दे रखा है। तो सबसे पहला, उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो इसीलिए जो फर्स्ट सैटेलाइट जो थी वो भी उनके नाम पर थी, आर्यभट्टा। तो सबसे हमने ये देखा कि वो फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी है, और जो फर्स्ट सैटेलाइट जो आई थी वो आर्यभट्टा के नाम से ही बनी है। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर ही घूमती है, और उन्होंने प्रूव किया कि ल्यूनर एक्लिप्स जो होता है, ल्यूनर एक्लिप्स, ल्यूनर मीन मून, चंद्र ग्रहण। तो उन्होंने ये बताया कि चंद्र ग्रहण में जो इज द शैडो ऑफ द अर्थ, ओके, देन विच वॉज एड्रेस एज, और उसे क्या बोला जाता था, अजर भार। बहुत सारे स्कॉलर्स जो है चंद्र ग्रहण को अजर भार बोलते थे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें भी ऐसा ही है, ए आर्यभट्टा, देन बी ब्रह्मगुप्ता के बारे में हम देखते हैं, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया, और उन्हीं की नाम की एक बुक है ब्रह्म सिद्धांता। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज रिलेटेड टू वर्हम मिहिर, ठीक है, वर्हम मिहिर। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, तंत्र, होरा एंड संहिता। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तंत्र, होरा एंड संहिता। नेक्स्ट उनकी ग्रंथ या उनका काम, उनकी बुक जिसका नाम था बृहत संहिता, वो उसके में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि प्लैनेट्स की वजह से इंसान के या ह्यूमन बीइंग के फ्यूचर पे किस तरीके से असर पड़ता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो प्लैनेटरी मूवमेंट की, वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया गया है, द टाइम ऑफ मैरिज, कौन सा शकुन है, कौन सा शुभ मुहूर्त है फेरों के लिए या शादी के लिए, पॉन्ड्स, वेल्स, गार्डन्स एंड गुड ओमेन ऑफ सोइंग, सोइंग मीन्स बीज को बोना। तो इवन फार्मर्स के लिए भी उन्होंने बताया है क्या शुभ शुकन है कोई भी सीड को सो करने का या बीज बोने का, गुड ओमेन्स मीन्स शुभ शुकन। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड याद हो गया होगा साथ साथ में। तो सबसे पहले हमने यही देखा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, ये काफी एंशियंट टाइम से चली आ रही है, अलग अलग प्लेनेटरी मूवमेंट्स और ये इंक्लूडेड है। फिर हमने तीन पर्सनालिटीज के बारे में देखा, आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता एंड वरंग मिहिर। देखिए आपको यहाँ पे कैसे याद करना है, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है, देन आर्यभट्टा के बारे में, ब्रह्मगुप्ता के बारे में और वरह मिहिर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो लिखनी है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड टू वास्तुशास्त्र। अब वास्तुशास्त्र मीन्स जो भी हम डायरेक्शन से रिलेटेड बात करते हैं, हमारे घर पे मंदिर कहाँ होना चाहिए, गेट जो है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, रूम्स कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए, वो सब कवर होता है वास्तु शास्त्र में। तो
तो अब हम देखते हैं वही पॉइंट फिर से रिपीट किया गया है, इंडिया ने इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र और ये एस्ट्रोलॉजी से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता, दैट इज इनसेपरेबल। वास्तुशास्त्र जो है उसको बहुत ही पहचान मिली है, रिस्पेक्ट मिली है, दैट इज डिग्निफाइड, एंड काफी ज्यादा तारीफ भी की जाती है वास्तुशास्त्र से रिलेटेड, नॉट जस्ट इन इंडिया बट बहुत सारी कंट्रीज में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पायोनियर्स ऑफ वास्तुशास्त्र, मीन्स वास्तुशास्त्र की शुरुआत जो है वो किन्होंने करी है। ये हमें टेक्स्ट बुक में भी वन मार्क्स में पूछ रखा है, हु आर द पायोनियर्स ऑफ वास्तुशास्त्र। तो देखिए नाम अच्छे से याद रखने हैं, ब्रह्म, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ एंड विश्वकर्मा जो है उन्होंने यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया है वास्तुशास्त्र में और वो वास्तुशास्त्र के पायोनियर्स माने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छे से याद रखना है हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं इंफॉर्मेशन जो वास्तुशास्त्र में इंक्लूडेड है वो क्या है, आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग, जहां पर हम रहते उसे ड्वेलिंग बोला जाता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो है वो होना चाहिए, कहाँ पर रूम होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, मंदिर कहाँ पर होना चाहिए, ये सब इंक्लूडेड है वास्तुशास्त्र में। टेम्पल्स, पैलेसेस, जो किंग के बड़े बड़े पैलेसेस जो होते थे, अश्वशाला, फोर्ट, स्टोर हाउस ऑफ एम्यूनेशन, एम्यूनेशन मीन्स वेपन्स। तो पुराने टाइम पर राजा जो थे वो वॉर के लिए जाते थे तो उनके लिए सबसे शुभ क्या माने जाते थे, उनके वेपन्स। तो वेपन्स का स्टोर रूम कहाँ पर होना चाहिए वो बताया गया है और किस तरीके से पूरे टाउन की प्लानिंग होनी चाहिए वो वास्तुशास्त्र में इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो वास्तुशास्त्र का डिस्क्रिप्शन जो है वो दे रखा है बृहत संहिता में, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम देखते हैं राणा कुंभा जो थे मेवाड़ से बिलोंग करते थे, उन्होंने वास्तुशास्त्र को जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे वास्तुशास्त्र में चेंज किए और उन्होंने 15th सेंचुरी में इसको थोड़ा रिवाइव या रिवाइज किया या इसके अंदर वो चेंजेस लेकर आए। नेक्स्ट टॉपिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वकर्मा। देखो नाम में ही है विश्व, मीन्स उन्हें माना जाता है कि वो फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड हैं। देखो आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं, तो ये अच्छे से हमें पिक्चर भी याद रखनी है। ये विश्वकर्मा जो है उन्होंने ही माना जाता है कि वो फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड हैं और उन्होंने वास्तुशास्त्र को 8 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। कंफ्यूज नहीं होना है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है और वास्तुशास्त्र जो है वो 8 सेक्शंस में डिवाइडेड है। अलग अलग इंफॉर्मेशन जैसे कि सिलेक्शन ऑफ प्लेस, क्या शेप होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग की जाए चीजों की, टेम्पल्स, ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम जो है वो मेंशन किया गया है इन सेक्शंस में। नेक्स्ट, जैसे जैसे टाइम पास हुआ वैसे वैसे चेंजेस आए और उसी हिसाब से वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स और अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस आए और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इनको फॉरेनर्स जो है उन्होंने भी अडॉप्ट किया और वो वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड टू वास्तुशास्त्र वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो कि जस्ट हमारे पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंशियंट इंडिया नॉलेज जो है साइंस की वो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट करी है। यहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर आए हैं, उन्होंने माना कि यस इंडिया ने काफी ज्यादा रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडियन कल्चर जो है वो काफी ज्यादा वास्ट है, बड़ा है और डिफरेंट है, हेटरोजीनियस मीन्स डिफरेंट है। ये एक ब्लेंडिंग है या कॉम्बिनेशन है, ब्लेंडिंग मीन्स कॉम्बिनेशन, तो इट इज अ ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन। साइंस तो है ही, उसी के साथ साथ रिलीजन है, हमारे क्या क्या ट्रेडिशनल आइडियल्स है, प्रिंसिपल्स है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि सिर्फ और सिर्फ हम इंडिया में ही देखते हैं और कहीं नहीं देखते। नेक्स्ट, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टूवर्ड्स ऑल रिलीजन।
हमारे यहाँ पर हम सारे लोग जो है ह्यूमन बींग जो है अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फिर भी हम एक साथ यूनिटी में रहते हैं, साथ में रहते हैं, जो कि हमारे कल्चर में देखा जाता है। और इन स्पाइट ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी, अलग अलग रिलीजन है हमारे, अलग अलग लाइफ स्टाइल है, अलग अलग वैल्यूज है, प्रिंसिपल है, फिर भी हम एक साथ यूनिटी या एक साथ हम रहते हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन कल्चर जो है वो हमें यूनिवर्सल यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बताता है। लास्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, हमें ये याद रखना है कि इंडियन कल्चर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर जो है एकदम सिनॉप्सिस के थ्रू, ये देखिए आप, सबसे पहला हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा मेटलर्जी का, देन हमने क्लासिफिकेशन देखा केमिस्ट्री ऑल्सो नोन एज एल्केमिकल लोर का, देन हमने टॉपिक देखे साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी से रिलेटेड, देन हमने देखे मैथमेटिक्स में ए बी जी एम, अलग अलग इन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की है उसके बारे में, इंडिया में क्या क्या डिस्कवरीज हुई है उसके बारे में, देन हमने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझा। इसके अंदर हमने तीन पर्सनालिटी के नाम देखे, आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता एंड वरमवीर। देन हमने वास्तुशास्त्र के बारे में देखा, उसमें हमने इंपॉर्टेंट देखा कौन कौन वास्तुशास्त्र के पायोनियर्स हैं जिन्होंने शुरुआत करी है। नेक्स्ट हमने देखा विश्वकर्मा के बारे में, जो कि माने जाते हैं आर्किटेक्ट ऑफ गॉड, और उन्होंने वास्तुशास्त्र को 8 सेक्शंस में डिवाइड किया है। देन हमने लास्ट कंक्लूजन देखा कि यहाँ पर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के, रिलीजन के, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, लेकिन फिर भी हम साथ में रहते हैं। तो इंडियन कल्चर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये चैप्टर जो है एकदम इजीली आ गया हो समझ में, एंड ये चैप्टर जो है शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम में आने ही वाला है एग्जाम में, तो इसको एकदम अच्छे से याद करके जाएं।